हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता स्ट्रीम किचन #, स्वाद से दिल तक। दिस इज व्हाट माय डॉटर लव्स, मम्मी के हाथ का टेस्टी वाला हलवा जो मैं बनाऊंगी बेसन, सूजी और आटा मिक्स करके, और इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए जैसे कि काजू, बादाम और सूखा नारियल। आपको कढ़ाई में देख के लग रहा होगा, अरे बाप रे इतना सारा घी। तो यस, जब मैं हलवा बनाती हूँ तो आई टेक जनरस अमाउंट ऑफ घी, क्योंकि अगर घी कम हुआ तो हलवा बहुत ही बेकार बनता है। तो आज लिया है मैंने 4 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ईच ऑफ सूजी, बेसन एंड आटा। जब घी गर्म हो गया, अब मैं इसे बारी बारी करके सब चीज़ें इसमें डालूँगी और फिर इसे बहुत ही धीमी आंच में गैस को सिम करके भूनते रहूँगी। हलवा जो है वो धीमी आंच में ही टेस्टी बनता है, तो गैस थ्रू आउट पूरी सिम या फिर हल्की सी तेज करके ही आटा, सूजी, बेसन को भूनूंगी मैं। और एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो नट्स और नारियल है इसे बिल्कुल भी पहले ऐड नहीं करूंगी। अगर पहले ऐड कर दिया तो ये बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो जब ये बेसन, आटा और सूजी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, एकदम अच्छे से भुन जाएगा, तब इन्हें ऐड करूंगी। बस 1 से 1.5 मिनट नट्स डाल के भूनूंगी। अब इसमें डाली है मैंने 6 टेबलस्पून चीनी और 3 कटोरी पानी के। अब इसे खूब अच्छे से चलाते रहूँगी तेज आंच करके, और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लंप फॉर्म ना हो। और जब तक कि ये भूनते भूनते आपको समझ में आ जाएगा, जब तक ये घी छोड़ेगा ना, तब आप समझोगे कि ये हलवा अब रेडी हो गया है। अब देखिए कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई चारों तरफ से, और घी एकदम छोड़ दिया है हलवे ने, और इसका मतलब है हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है।